we'll start with next chapter, which is chapter number 5. अगर याद होगा oscillations, या फिर इसको आप बोलते हो simple harmonic motion. तो याद रखना इसके तीन चार नाम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन. तो यू मस्ट रिमेंबर बेसिक फॉर्मूलास. तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल हैज मास एम एंड इट ऑसिलेट्स फ्रीली विद एम्पलीट्यूड ए. एट एक्सट्रीम पोजिशन द पोटेंशियल एनर्जी इज. तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक्स पता होने चाहिए. व्हाट इज हैपनिंग इज, आपके पास एक पार्टिकल है, यू हैव अ पार्टिकल जो एक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो क्यों, ये एक पोजीशन से स्टार्ट करेगा, दूसरे पे जाएगा, टू फ्रो मतलब वापस वहीं पे आएगा. तो द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ये स्टार्ट कहीं से भी हो सकता था, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन से स्टार्ट हो सकता है. तो याद रखना अगर ये मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है, मेन से ये गया बी पे, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हो एम्पलीट्यूड. तो ये तो डिस्टेंस है मेन से मैक्सिमम, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, राइट. तो एक ऑसिलेशन मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वन ऑसिलेशन. मीन से स्टार्ट होके राइट एक्सट्रीम पे गया, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे आया, फिर वापस यहाँ पे आया. दिस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन, राइट. तो पहले बेसिक आइडिया क्लियर रखो. और आपको ये बताना चाहिए, इस क्वेश्चन के साथ वो रिलेटेड नहीं है, बट यू शुड नो, अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. अगर यही पार्टिकल मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट करता तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. और इस मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन. यू नो व्हाट आर हार्मोनिक फंक्शंस, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस का, और एक नाम है हार्मोनिक. तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट में कौन आ गया, साइन या फिर कोसाइन, इसलिए मोशन को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन. तो एनीवेज आपको पता होना चाहिए इस मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये बेसिक बेसिक पता होगा तो क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व. तो नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है ऑफ लेंथ एल एंड मास एम. इट ऑसिलेट्स फ्रीली विद एम्पलीट्यूड ए. एट एक्सट्रीम पोजिशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज. मतलब हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है. You know what is simple pendulum? Simple pendulum is a light string, inextensible string. उसके नीचे एक heavy mass लगाया आपने. इस heavy mass को आपने displace कर दिया. इसको displace कर दिया by small angle और इसको release कर दिया. तो you displace this and release this. ये bob क्या करेगा? Oscillatory motion perform करेगा. तो this will perform linear motion along a given path. Okay. Then potential energy kahan find karna hai, extreme position pe. So what is formula for potential energy? Half k x square, right? Extreme position pe what is value of x? Displacement equal to a. X equal to a aata hai yahan pe. So aapko mil jayega half k a square. Do you remember what was k? K was m omega square. तो k क्या था? m omega square था. आपको याद है what is omega? 2 pi by time period. Omega होता है 2 pi by time period. तो हमने substitution किया यहाँ पे, since x equal to a. Since k equal to m omega square, since omega equal to 2 pi by time period. Do you know what is time period of a simple pendulum? 2 pi under root of l by g. क्यों? क्योंकि option देखोगे तो l और g के terms में है. तो but you should know time period of a simple pendulum t is 2
pi root of L by G. Therefore, potential energy इसका formula आएगा 1 by 2 m m 2 pi upon t is 2 pi root of L by G का square और यहाँ पे था a square 2 pi cancel तो potential energy आएगा half m ये root of L by G का square root of square cancel out G ऊपर जाएगा G by L a square ऐसा option होना चाहिए देखो कहाँ पे है m g a square upon 2l m g a square upon 2l option number d तो ये 2010 में एक बार आया है 2020 में एक बार आया है CET में this is how you are supposed to solve this question okay तो इस chapter के questions more or less overall सारे के सारे easy है सिर्फ दो तीन equations आपको पता होने चाहिए Right, time period equation for a simple pendulum it is 2 pi root of L by G. What is time period equation for a particle performing SHM? 2 pi root of M by K. Okay, next question. For a particle performing simple harmonic motion, when displacement is x, potential energy and restoring force acting on the particle is denoted by E and F respectively. The relation between X, E and F is simple question. हमें बोला है एक particle है जो simple harmonic motion perform कर रहा है. Let us say this is mean position. वो जब X displacement पे होगा, तब उसका energy, कौन सा energy? Potential energy is E. Restoring force is F. So what is the relation between X, F and E? What is potential energy ka formula? Half K X square. Do you know, ye simple harmonic motion start hi hota hai restoring force se. Jinko concept yaad nahi, main bata deta hu fatafat se. So aapka ye jo chapter tha, uska pehla hi topic tha. Aapke paas ek arrangement hai, jisme ek rigid wall hai, uske paas ek table hai, which is frictionless, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा है you kept a block of mass m, some mass m, then आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है इसको आपने स्प्रिंग लगा दिया स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब फोर्सेस जब बैलेंस होंगे तब ब्लॉक का पोजिशन ये था इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजिशन ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब x इक्वल टू जीरो फिर आप क्या करते हो फिर आप इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हो टू द राइट तो जैसे ही ब्लॉक को आपने डिस्प्लेस किया जैसे ही आप ब्लॉक को डिस्प्लेस करोगे डिस्प्लेसमेंट मतलब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा करेक्ट और जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है ये x है तो अगर डिस्प्लेसमेंट टू द राइट है तो रिस्टोरिंग फोर्स टू द लेफ्ट होता है क्योंकि आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था और आपने ब्लॉक को स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो वो कहां जाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आएगा इसलिए उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा रिस्टोर करेगा किसको ओरिजिनल पोजिशन को तो अगर आपको याद है आप लिखते हो ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना ये रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स फिर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हो एंड यू राइट डाउन माइनस के एक्स वेयर के इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट और माइनस साइन कहां से आया माइनस साइन इसके लिए आया बिकॉज नेगेटिव साइन इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट फोर्स इज टू द लेफ्ट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था तो याद रखना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स तो के विल बी माइनस एफ अपॉन एक्स So if you know this, तो यहाँ से आपको मिल गया k equal to minus f upon x. तो यहाँ substitute कर दोगे, तो but k is minus f by x. Therefore potential energy E equal to 1 by 2 k is minus f by x into x square. X or x cancel. 2 को शिफ्ट कर दो 2e इक्वल टू माइनस
एफएक्स, इफ यू सी आंसर देखोगे तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ई एफ एंड एक्स है। एक काम करो, एक्स को डिवाइड कर लो, तो टू ई बाई एक्स इक्वल टू माइनस एफ, देयरफॉर टू ई बाई एक्स प्लस एफ इक्वल टू जीरो। तो टू ई बाई एक्स प्लस एफ, टू ई बाई एफ भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। इसको यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा, इसको यहाँ लाओगे तो भी चलेगा, एज द सेम थिंग। तो 2e by f plus x, 2e by f plus x equal to 0, option number b। बहुत सारे बुक्स में माइनस दिया है, which is not correct, correct is option number b। ये भी दो बार आया है, 2020 and 2010। next question A particle performs simple harmonic motion with period of 3 seconds. The time taken by it to cover a distance equal to half the amplitude from mean position. So easy question है, पहले ही बता दिया, the particle is starting from mean position. अगर particle mean position से start हो रहा है तो x equal to a sine omega t. Then they are asking you what is the time taken to cover half the displacement, half the amplitude, sorry. मतलब what do you mean by half the amplitude? X equal to a by 2. तो याद रखना, उन्होंने already आपको बताया है particle starting from main position, और फिर ऊपर से आपको ये बताया है, ये पूछा है कि कितने time के बाद particle का displacement half the amplitude होगा। half the amplitude मतलब a by 2. A साइन ओमेगा टी, ए और ए कैंसल। हाफ वैल्यू कब आती है, साइन की वैल्यू हाफ कब आती है, 30 डिग्री। तो साइन ओमेगा टी, तो व्हाट इज ओमेगा टी, 30 डिग्री, 30 डिग्रीज है, रिमेंबर डिग्री, 30 डिग्रीज हाउ मच, पाई बाय 6। तो ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, 2 pi by time period into t equal to pi by 6, cancel and cancel. So t, small t equal to t by 12, 6 to the 12. Time period kitna diya hai? 3 seconds. So time period is 3 seconds. 3 by 12 matlab kitna? 1 by 4. So 1 by 4, this is the time at which the time particle will take to cover a distance of half the amplitude. Done. Simple question. Next question. A block of mass M attached to one end of a vertical spring produces extension x. If the block is pulled and released, the periodic time of the oscillation is. Bahut simple question hai ye. तो हमारे पास एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल है पूरा ना, वर्टिकल, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। तो हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इसके नीचे एक ब्लॉक हमने लगा के रखा है, वी हैव कनेक्टेड अ ब्लॉक हियर, तो ब्लॉक हमने कनेक्ट करके रखा है, एंड देन आगे बोला है ये प्रोड्यूस कर रहा है एक्सटेंशन एक्स। इफ द ब्लॉक इज पुल्ड एंड रिलीज्ड, इस ब्लॉक को हमने पुल किया तो क्या होगा, यू ऑलरेडी नो व्हाट हैपेंस, इज क्या होता है, पुल करोगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और रिलीज करोगे तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। तो ठीक है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होने के लिए चाहिए। व्हाट दे आर आस्किंग यू इज व्हाट इज टाइम पीरियड, हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के, वो याद नहीं हो तो 2 पाई बाई ओमेगा पता होगा, बट अगर आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर होता है के बाय एम, तो ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाय एम, देन सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट ऑफ के बाय एम, मतलब 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के। स्टार्ट यहां से होना चाहिए, you should know what is time period equation, what is frequency, 1 upon time period matlab 1 upon 2 pi root of k by n। okay,
इतना पता होना चाहिए सबसे पहले. देन हमें हमारे पास ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जी. तो क्या करना, होपिंग अज्यूमिंग कि आपको ये सारा का सारा ऑलरेडी पता है, तो 2π√(m/k)u. बट मैंने अभी अभी लिखा था रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एच होता है. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव डाल नहीं सकते, इट बिकम इमेजिनरी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड. बट व्हाट इज फोर्स? m into a, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे आएगा g, क्योंकि वर्टिकल मोशन में एक्सेस इज ड्यू टू ग्रेविटी. तो एम जी इक्वल टू के एक्स. तो वॉट इज m बाई के? एक्स बाई जी. इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, मिल गया आंसर. From equation number 1 and 2, you get time period t equal to 2π√(m/k) is x by g. So x by g है क्या? Option number D. Next question. So remember, kind of very simple, सिर्फ basic idea याद रखो. Force m a होता है, a यहाँ पे g आएगा, और यहाँ पे because हम लोग oscillatory motion की बात कर रहे हैं, simple harmonic motion, उसमें force होता है kx. अगला question. Two bodies a and b of equal masses are suspended from two separate massless spring of force constants k1 and k2 respectively. The bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. The ratio of the amplitudes of body A to that of body B is. सबसे पहले तो पता होना चाहिए what is the equation for maximum velocity? A omega. जिनको नहीं पता कोई problem नहीं है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ. What happens is हमारे पास एक particle है जो simple harmonic motion perform कर रहा है. अब simple harmonic motion horizontal भी हो सकता है. Horizontal मतलब along x-axis. ये vertical भी हो सकता है. It can be also along y-axis. Doesn't matter. सिर्फ जब आप along y-axis लिख रहे हो, तो उस case में x के ऊपर लिखोगे y. That is the only thing. तो आपको पता होना चाहिए particle का ये है main position, ये है maximum displacement जिसको बोलते हो amplitude, to the left मतलब downwards मतलब minus sign, और ऊपर ऊपर आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द अपर साइड व्हिच इज ए. तो यू शुड नो कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इसका स्पीड किसी भी पोजीशन पे इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं. यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल मोशन है, दैट इज वाई. गुड. और आपको पता होना चाहिए पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड जो कि रिलेटेड है, चाहे आप वर्टिकल मोशन लो चाहे आप हॉरिजॉन्टल मोशन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक्स और वाई का फर्क है. दैट द ओनली थिंग. सो डजंट मैटर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन. ओनली थिंग इंपॉर्टेंट टू यू विल बी, देखो याद रखना, समथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट हियर. फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल था, ये जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो इट हैज टू स्टॉप. मैं अभी SHM परफॉर्म करता रहता हूँ. This is my maximum position, extreme position. उसके बाद क्या होता है, मुझे velocity का direction reverse करना है, मतलब मुझे वापस जाना है, तो रुकना पड़ेगा ना. I cannot keep on moving and वापस पीछे आया, नहीं हो सकता. तो extreme position पे velocity क्या होगा? Zero. तो जहाँ पे velocity zero होगा वहाँ पे kinetic energy भी zero होगा. तो maximum energy is, maximum मतलब total energy is potential, क्योंकि kinetic वहाँ पे नहीं है, right? और mean position पे velocity is maximum, मतलब kinetic energy is maximum, potential is zero. तो ये याद रखना, इतना याद होगा तो is nothing, easy. अब आपको पता है velocity का equation, तो maximum कहाँ होगा? Mean पे. Mean मतलब y equal to zero. तो v max will be omega under root of a square minus zero, मतलब a omega. तो ये याद रखना, a omega. Right. Then, बाकी देखेंगे एनर्जीज का एज एंड व्हेन नीडेड, अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है. तो आपको बोला है क्या है, दो बॉडी है, कौन कौन से, ए एंड बी. मासेस क्या है, सेम है. दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k1 एंड k2. द बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी
ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी, करेक्ट? व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? ए ओमेगा, बट ए इज एम्पलीट्यूड, ये ए पार्टिकल है, ये ए एम्पलीट्यूड है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, इसलिए मैं काम करता हूं एम्पलीट्यूड ऑफ ए राइट इनटू ओमेगा ऑफ ए राइट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ बी इनटू ओमेगा ऑफ बी. गुड, देन आगे क्या बोला था आपको? आपको क्या बोला है? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के वन के टू मासेज आर सेम, तो क्या करोगे इसके बाद? ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम. ओके, और एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ बोला है क्या? डिड यू टेल यू एनीथिंग? रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ए अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ बी ये पूछा है, तो ये क्या आ गया? ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए. व्हाट इज ओमेगा? रूट ऑफ के बाय एम, तो रूट ऑफ के बी बाय एम अपॉन रूट ऑफ के ए बाय एम. मास सेम था तो हो गया कैंसल. व्हाट इज के बी? K2. What is KA? K1. So root of K2 by K1. Root of K2 by K1. Option number A. Next question. A body of mass 64 gram is made to oscillate turn by turn on two different springs A and B. हमारे पास दो स्प्रिंग है, बॉडी सेम है जिसका मास है 64 ग्राम. पहले ए स्प्रिंग को लगाया, वही मास फिर बी स्प्रिंग को लगाया. स्प्रिंग ए एंड बी हैज फोर्स कॉन्स्टेंट 4 न्यूटन पर मीटर एंड 16 न्यूटन पर मीटर रिस्पेक्टिवली. इफ T1 एंड T2 आर पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 विल बी. सिंपल क्वेश्चन. तो सबसे पहले हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम पीरियड? यू फाइंड टाइम पीरियड रूट ऑफ 2 पाई एम बाय के. ओके, तो T1 विल बी 2 पाई रूट ऑफ M1, मत लिखना, मास सेम है. मास सेम था, पहले एक स्प्रिंग को लगाया, ए स्प्रिंग को लगा दिया और बाद में फिर दूसरे स्प्रिंग को कनेक्ट किया, तो यू शुड नो मास इज द सेम. तो ये पहले ए स्प्रिंग का केस था, तो स्प्रिंग ए का केस था ये. देन स्प्रिंग ए 2 पाई रूट ऑफ मास कितना? 64 ग्राम है. ओके, तो 64 ग्राम मतलब 10^-3 किलोग्राम अपॉन के वन. के वन कितना दिया है? 4 राइट. हाउ मच इज दिस? 16 का रूट 4. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा T1 इक्वल टू, वेल बाय द वे एक चीज और कर सकते हो, क्योंकि 10^-3 गड़बड़ कर रहा है, उसका रूट नहीं, नहीं तो एक काम करना, ये लिखना ही नहीं. क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आप पहले T1 प्लस T2 करोगे अपॉन T1 माइनस T2 करोगे, तो ग्राम टू किलोग्राम का फैक्टर वैसे भी कैंसिल होगा, तो दैट इज वाई लिखो ही मत, बेटर. तो जब रेशो लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो ये कितना आ जाएगा? तो T1 आ गया 8π. स्प्रिंग बी के लिए, फॉर स्प्रिंग बी व्हाट यू विल हैव इज सेम थिंग, T2 इक्वल टू 2π रूट ऑफ m बाय k2, 2π 64, k2 था 16, 64 बाय 16 इज 4, तो ये आ जाएगा 4π. ये आ गया 4π. आपको पूछा गया था T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2, तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2. T1 कितना आया? 8π. 8π प्लस 4π अपॉन 8π माइनस 4π विच इज इक्वल टू 12π अपॉन 4π विच इज इक्वल टू 3. तो 3:1 ऑप्शन नंबर सी.
सिंपल सिंपल याद रखना, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस में डू नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ जोक। द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट वेरी पीरियोडिकली फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएमएस। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, पार्टिकल कहीं पे भी हो इट इज हाफ के ए स्क्वायर। तो द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज इज टोटल एनर्जी, बिकॉज वो हाफ के ए स्क्वायर होता है, के कॉन्स्टेंट, हाफ कॉन्स्टेंट और ए भी कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन इन वन पीरियडिक टाइम इज, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन वन पीरियडिक टाइम? 4a। 4a कैसे? सिंपल, व्हाट इज, यू नो व्हाट इज पाथ लेंथ? पाथ लेंथ मतलब, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ होता है 2a। मतलब क्या? मतलब पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, तो देखो रिमेम्बर पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, डजंट मैटर। आप बोल सकते हो पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, चलेगा, यहाँ से किया तो भी चलेगा, यहाँ से किया तो भी चलेगा। जस्ट टेक एनी वन पोजिशन, फिक्स पोजिशन, ये है एम्पलीट्यूड ए, ये भी है एम्पलीट्यूड ए। तो यू शुड नो एक पीरियडिक टाइम में पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, एक और करेगा, फिर वापस यहाँ आएगा और एक, एक और हो गया 2a, फिर वापस यहाँ पे आया 3a, फिर यहाँ पे आया 4a, राइट? तो 4a, एक पीरियड में कितना? 4a, ऑप्शन नंबर बी। मतलब भाई तो याद रखना, व्हाट इज पाथ लेंथ? 2a। पाथ लेंथ इज ए प्लस ए, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन वन पीरियड इज 4a। लिखने से कुछ नहीं है, इट इज सिंपल, 2019 सीईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए व्हेन इट इज मिडवे बिटवीन इट्स मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन और एक्सट्रीम के मिडवे पे होना, मतलब कहाँ होना? एक्स इक्वल टू ए बाई टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल, व्हाट इज द पीरियडिक टाइम ऑफ द मोशन? तो हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग एस एच एम, ये उसका एक्स मीन पोजिशन हो गया, ये उसका मिडवे हो गया। मिडवे मतलब बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, मतलब एम्पलीट्यूड का हाफ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए बाई टू, और एक्स इक्वल टू ए बाई टू पे क्या हो रहा है? एक्स इक्वल टू ए बाई टू पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू एंड मॉड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आर इक्वल। व्हाट इज वेलोसिटी? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए ओमेगा लिखने की गलती मत करना, वो मैक्सिमम होता है, और वो कहाँ होता है? मीन पे होता है। ऑब्जेक्ट पार्टिकल हमारा मीन पे था क्या? नहीं, वो कहाँ था? हाफ द, हाफ हाफ, राइट? क्या बोला है? व्हेन इट इज मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। मीन और एक्सट्रीम का मिडवे मतलब ए बाई टू, और व्हाट इज एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर ए नहीं, ओमेगा स्क्वायर ए इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, राइट? तो यहाँ पे ये एक और एक गया, हमें क्या पूछा है? टाइम पीरियड, सिंपल। वेल ए स्क्वायर माइनस एक्स, बट व्हाट इज एक्स? ए बाई टू, तो ए बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और एक्स इज ए बाई टू, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4? 3a स्क्वायर बाय 4, 2 पाई बाय t a बाय 2। तो यह आ जाएगा आपके पास रूट 3a बाय 2, रूट 3a बाय 2, रूट 3a बाय 2 इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई बाय t और a बाय 2, कैंसिल 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 कैंसिल, राइट? तो व्हाट इज t? t इज 2 पाई अपॉन रूट 3। हाँ, तो 2 पाई अपॉन रूट 3 होना चाहिए आंसर में, 2 पाई अपॉन रूट 3 ऑप्शन नंबर ए। बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू पेंडुलम्स बिगिन टू स्विंग साइमल्टेनियसली द फर्स्ट पेंडुलम मेक्स 9 फुल ऑसिलेशंस व्हेन द अदर मेक्स 7 ऑसिलेशन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द टू पेंडुलम इज। तो हमें रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन। हमें यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ ऑसिलेशन का इंफॉर्मेशन दिया है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, पहला पेंडुलम का कितना 9, दूसरा कितना 7, उतने ही टाइम में। और हमको पूछा है रेशियो ऑफ लेंथ, तो सबसे पहले यू शुड रिमेम्बर टाइम पीरियड इज 2π√L/g। अब दोनों पेंडुलम जो है वो अर्थ पे ही है तो g क्या होगा, सेम होगा। 2π तो कांस्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ। बट इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/frequency, इक्वेशन नंबर 2, राइट। बट इफ यू रिमेम्बर, फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे। व्हाट डू यू मीन द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/frequency एंड 1/frequency इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब frequency is proportional to number of oscillation. So in short, what do you see from equation number 1 and 2? क्या दिखता है हमको from 1 and 2? From equation number 1 and 2, time period क्या है 1/n. So 1/n is proportional to √n. So simple question था, time period proportional to root of length, but time period is 1/frequency, but frequency depends on number of oscillations. So time period is proportional to 1/number of oscillations. So time period is also proportional to root of L. दोनों को combine कर दो तो you get this. तो हमको क्या चाहिए था, ratio of length ना, ratio of length. तो square करना, 1/n² is proportional to L. तो L1/L2 is root तो गया, n2 by n1 का square. n2 कितना था 7, n1 कितना था 9, 7 का स्क्वायर कितना 9 का कितना, तो 49/81 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑलवेज रिमेम्बर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप प्रोपोर्शनलिटी से ही सॉल्व कर सकते हो। जस्ट लुक एट प्रोपोर्शनलिटीज, क्या किसको प्रोपोर्शनल है उतना देखो, हो गया। और ये तो इट वॉज वेरी सिंपल, तो ओरली होता है, क्यों, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ, बट टाइम पीरियड 1/frequency व्हिच इज 1/नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1/√L, या फिर 1/n इज प्रोपोर्शनल टू √L, स्क्वायर कर लेना तो दिख गया L1/L2 इज n2/n1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन मेजर्स time period of a simple pendulum inside a stationary lift and find it to be t if the lift starts accelerating upwards with acceleration g/3, the time period of the pendulum will be। to sab thoda is question pe baad mein aate hain, pehle basic samajh lete hain। to basic idea ye hai, ab lift ke andar pendulum ho ya lift ke andar koi aur object ho ya lift ke andar aap khud ho, so you should know there are certain things jo aapko pata hone chahiye। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसी भी पर्सन का वेट। हम दो टाइप के वेट डिफाइन करते हैं, एक होता है एक्चुअल वेट विच इज रियल वेट एक्शन, दूसरा होता है रिएक्शन, और रिएक्शन होता है हमेशा नॉर्मल। तो याद रखना, हम जब खुद का वेट मेजर करते हैं, हम मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो हमारा जो वेट है वो मशीन पे क्या है, एक्शन, और जो रीडिंग दिखता है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो वॉट यू आर मेजरिंग इज नॉट रियल वेट, what you are measuring is normal reaction, उसको बोलते हैं apparent weight। तो object का surface पे action, ये lift है, lift में object है, हो सकता है object के नीचे machine रखा हो, weighing machine, doesn't matter, right? तो ये action है, इसको हम बोलते हैं real weight, actual weight, right? Which is mg basically। और floor, ये जो हम पे रिएक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट पे रिएक्ट करेगा, वो होता है नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आर बोल सकते हो इसको, एन बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट यू आर कॉलिंग दिस।
तो अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर लिफ्ट मूविंग है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में ये एन जिसको आपने एपरेंट वेट बोला है ये होता है इक्वल टू एम जी। बट व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, इमेजिन लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, और ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स होगा। नीचे की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स होगा। तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो कभी भी याद रखना है, यहाँ पे हम बात करते हैं नेट फोर्स की। नेट फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर कौन है, एन, नीचे कौन है, एम जी। तो क्या लिखोगे, एन माइनस एम जी, बिकॉज ओवरऑल लिफ्ट इज गोइंग अप। बट बाई डेफिनेशन व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, ए एन माइनस एम जी। तो एन इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो जब भी लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स तो एक्सेलरेशन हो जाता है ए प्लस जी। अगर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स तो ये हो जाता है ए माइनस जी। ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो एक बॉक्स हो जो लिफ्ट के अंदर रखा है। क्योंकि बॉक्स को आप लिफ्ट के अंदर रखोगे, पेंडुलम को आप लिफ्ट के अंदर रखते नहीं हो, आप इसको हैंग करते हो। तो व्हाट यू डू इज, इन केस ऑफ पेंडुलम, इसका जो सीलिंग होगा, लिफ्ट का जो भी सीलिंग होगा, उस लिफ्ट के सीलिंग पे आपने हैंग करके रखा होगा पेंडुलम को, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज। देन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है टाइम पीरियड कितना, अगर लिफ्ट ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ जी बाय थ्री। तो व्हाट डू यू सी, यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2π√L/g। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g, क्योंकि एल तो सेम है, पेंडुलम सेम था। तो T2/T1 इज √G1/G2, G1/G2। लेकिन G1 मतलब ओनली G, क्योंकि फर्स्ट केस में लिफ्ट क्या था, स्टेशनरी था। दूसरे केस में इट इज नॉट स्टेशनरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी प्लस ए। तो T2 विल बी इक्वल टू √G/G, लेकिन ए की वैल्यू कितनी बताइए आपको, G/3। तो ए की वैल्यू G/3, और यहाँ पे आ जाएगा T1। T1 व्हाट इज दिस, ये जी, नीचे 4G/3, मतलब 3/4 कैंसिल एंड कैंसिल, राइट। तो T1 कितना है, T है, तो √3/4 T, √3/4, व्हाट इज √3/4, √3/2। तो यह आ जाएगा √3, 4 का रूट है 2, तो √3T/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन थ्योरी। तो टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या था, हाफ के स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ लेंथ, व्हाट इज पाथ लेंथ, 2a। द पाथ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 16 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज। सिंपल है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम का पाथ लेंथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो व्हेन दे से लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब लेंथ ऑफ वायर ऑफ द पेंडुलम, तो ये पता होना चाहिए। एंड इट इज परफॉर्मिंग SHM, और ये SHM कब परफॉर्म करता है, जब एंगल स्मॉल हो, क्योंकि अगर लार्ज एंगल की बात करोगे तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो याद रखना, पेंडुलम आपको दो अलग अलग टॉपिक में आने वाले हैं। एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द कंडीशन ये एंगल छोटा है, राइट, देन इट इज परफॉर्मिंग SHM विद पाथ लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो ए और ए मतलब 2a, तो 2a कितना है 16, तो ए कितना है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया था ना, यस। और आपको पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी, वो भी पूछा है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वी मैक्स, ए ओमेगा, ए तो 8 है, ओमेगा 2π/टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड दिया है क्या आपको, दिया है,
2 pi root of l by g. So this is how you are supposed to solve. This is 16 pi. Yeah, I got 16 pi. Ek kaam karo, 16 nahi likhunga main, kyunki 2 pi cancel hoga. 2 pi root of l by g. 2 pi cancel. So Vmax is 8 root of g by l. और आपको बोला है g की वैल्यू, बोला क्या कुछ? पाई स्क्वायर लेना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. पाई स्क्वायर अपॉन l, l इज 1, तो पाई स्क्वायर का रूट इज पाई, तो 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. For a particle performing simple harmonic motion, its average speed over one oscillation is. The average speed के question हम level 2 level 3 में करेंगे, because you have to integrate sometimes. तो average speed का question we will be doing. और एक average का बाकी है, वो भी लेंगे. कौन सा पिछले chapter का है क्या average का? कौन सा average का last chapter में? एक chapter में था average. एवरेज का एक क्वेश्चन रहा है, तो एवरेज का क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा सेशन में लेने वाला हूं, तो वी विल डू दिस लेटर. इंटीग्रेशन लगेगा बहुत सारा यहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट्स टाइम पीरियड इज 16 सेकंड्स. आफ्टर 2 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी इज पाई मीटर पर सेकंड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना इज वेरी सिंपल. Look at the word, starts from equilibrium position. मतलब x equal to a sin omega t. आपको बताया है t equal to 2 seconds पे velocity कितना है? Pi. तो velocity find कैसे करते हो? अगर displacement पता हो तो how do you find out velocity? dx upon dt. Correct. या मैं दो मेथड बताता हूं, दोनों से ही सॉल्व कर सकते हो, डजंट मैटर ये या फिर वो. तो लेट अस से मेथड नंबर 1, दोनों पता होने चाहिए. तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? a क्या है? कांस्टेंट. sin का डेरिवेटिव cos ओमेगा t into ओमेगा, तो ये आ गया वेलोसिटी. अब आपको बोला क्या है? आपको बोला है 2 सेकंड्स पे at t equal to 2 what is v? is pi. तो सब्स्टिट्यूट कर दो, v की जगह पे pi लिखो. तो put pi here equal to a omega cos of omega t, t की जगह पे pi, और omega की जगह पे भी सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दो. यहां पे what is omega? 2 pi by time period, 2 pi by time period, 2 pi by time period. Correct. Right. हाँ, yes. वहाँ पे t है, t की जगह पे 2 seconds आएगा. This is 2. Good. तो अब pi और pi गया. हमको क्या find करना था? क्या find करना है? Amplitude a. तो ठीक है. तो ये 1 आ गया. What is time period? 16. 16. Cos of 4 pi by 16. pi by 4 to 4 pi by 16 is pi by 4 1s and 8s are what is cos of pi by 4 1 by root 2. So ye 1 equal to a upon 8 root 2. So a kitna aana chahiye? 8 root 2 aana chahiye. Waise hai right, ye method 1 hai. Method 2 bhi hai, dekhte hai kahan tak hota hai method 2 se. हमें क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड. हमें इंफॉर्मेशन किसका है? वेलोसिटी. तो डू यू रिमेंबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट इफ यू रिमेंबर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. एक्चुअली 3 मेथड है, अभी समझ में आया तीसरा भी आएगा, लेकिन हम दो ही करेंगे. तो यू नो हाउ मच इज ओमेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड एंड स्मॉल टी. तो हमें 2 सेकंड के बाद पूछा है, तो टाइम पीरियड की जगह पे 16 और स्मॉल टी की जगह पे 2. हाउ मच इज दिस? पाई बाय 4. व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 4? 1 बाय रूट 2. अब ये ए बाय रूट 2 सीधा यहां सब्स्टिट्यूट करना,
देयरफॉर वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी था ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वी की वजह तो पाए बोली है और ओमेगा तो 2 पाए बाय टाइम पीरियड होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, मैंने स्क्वायर कर लिया, ओके पाए पाए कैंसल, तो 1 इक्वल टू 2 अपॉन टाइम पीरियड कितना 16, व्हाट इज दिस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 का रूट कितना a by root 2, 1 का एंड 8 का, तो a equal to 8 root 2, ये भी कर सकते हो, but under one condition, particle starting from mean, क्योंकि ये जो v का expression है, आपने जब derive किया था, तो उसका condition ये था, the particle starting from mean position, तो ऐसा भी solve हो सकता, तीसरा भी method है, तो तीसरा भी बता देता हूँ, करना नहीं, सिर्फ बता देता हूँ, तो तीसरे में क्या करोगे, it is again simple, well by the way third method and the first one is the same, is exactly the same, sirf farak itna hai v equal to omega under root of a square minus x square, lekin x kya tha a sin omega t, to a square sin square omega t, so v equal to omega kya common niklega, what is 1 minus sin square theta, very good, to v equal to omega a cos square ka root kitna, तो यही तो था a ओमेगा cos ओमेगा t, तो आओ आंसर नंबर d 8√2, सो रिमेंबर एनी क्वेश्चन हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, तो इट इज अप टू यू, आपको ये यूज करना है मेथड कर सकते हो, आपको ये मेथड सेकंड मेथड यूज करना है वो भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, बट सेकंड मेथड यू शुड डू इट एट होम, नाउ we will go ahead with next question, particle is performing SHM starting from extreme position, so extreme position se start kiya to displacement ka equation kya aayega a cos omega t, so particle is starting from extreme position, aage bola hai graphical representation shows that between displacement and acceleration there is phase difference of, ध्यान दो दिस इज जोक, पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करे या पार्टिकल मीन से स्टार्ट करे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का, वेलोसिटी और एक्सट्रीम में होता है पाई बाय 2 का, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में होता है पाई का, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन तो कितना पाई, मैं बता देता हूँ कैसे, एक बार बता देता हूँ लेकिन याद रखना ये हमेशा ऐसा ही होता है, x equal to a cos omega t, तो v मतलब derivative of x is minus a omega sin omega t, कैसे आया तो ऐसे आया, what is v derivative of x, displacement का time derivative होता है velocity, a constant है, cos का derivative आता है minus sin omega t का derivative आता है omega, एक में कॉस है एक में साइन है, आपको पता होना चाहिए कॉस और साइन का फेज डिफरेंस कितना 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2, कैसे पता लगा, व्हाट इज साइन 0 0, व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस 0, तो जब साइन 0 है तब कॉस मैक्सिमम है, व्हाट इज साइन 90 1, व्हाट इज कॉस 90 0, तो जब साइन मैक्सिमम है तब कॉस क्या है 0 है, तो इसको बोलते हैं पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, गुड, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई बाय 2, देन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वैसे करना ही नहीं है आपने ये, आपको ये करना ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा a होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, हमेशा तो करके देखो तो भी वही मिलेगा, यहाँ पे माइनस a ओमेगा कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा cos, ओमेगा डी कितना आएगा और एक ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि पहले इसको बाहर रखा क्योंकि डेरिवेटिव लेना है मुझे v का, तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ओमेगा टी, वापस एक ओमेगा और एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन इसमें साइन है इसमें कॉस है, तो फेज डिफरेंस कितना पाई बाय 2, ओरिजिनल में कॉस है पॉजिटिव
यहाँ पे कॉस है नेगेटिव, तो फेज डिफरेंस कितना पाए, इनवर्जन बोलते हैं इसको, उल्टा होना पाए, राइट। अब मैंने जैसे बताया ए सॉल्व करना ही नहीं होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बाय डिफॉल्ट है, व्हाट इज एक्स। हाँ तो फिर वही तो आएगा, सॉल्व क्यों करना है, व्हाई वी वांट टू टेक डेरिवेटिव, वही आएगा। तो रिमेंबर एसएचएम में पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो, कहीं से भी मतलब कहीं से भी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन में कितना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सेलरेशन में कितना पाई, तो ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग यू शुड नो, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना अच्छे से। अ पार्टिकल मतलब सिंगल पार्टिकल, एक ही पार्टिकल है, परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू, एक्सेलरेशन इज अल्फा, व्हाइल एट अनदर इंस्टेंट वेलोसिटी इज वी एंड एक्सेलरेशन इज बीटा, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बीटा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस इज, हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आई विल डिनोट सम पोजीशंस, ये मीन है 0, मान लो ये पहला पोजीशन है, इसको मैं बोल देता हूं x1, और ये दूसरा पोजीशन है, इसको मैं बोल देता हूं x2। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, x1 पे वेलोसिटी कितना, u बोला है ना, u बोला है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u एंड एक्सेलरेशन a इज अल्फा, करेक्ट। देन एट x2 व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज v, तो v2 इज v, यहां पे v1 इज u, a2 कितना बीटा, a2 इक्वल टू बीटा, ये आ गया a1 अल्फा, गुड। देन हमको फाइंड करना है x2 माइनस x1। अब देखोगे तो x2 माइनस x1 मतलब पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर है एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर रिमेंबर, वेलोसिटी का स्क्वायर अगर यूज करना होगा तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर आया मतलब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, इफ यू स्क्वायर दिस आउट तो आपको मिलेगा यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट गया और ये आ जाएगा स्क्वायर, राइट, तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गुड। तो व्हाट डू यू सी, हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, हमें इक्वेशन में ऑप्शन देखो, ऑप्शन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा तो कर लो स्क्वायर, तो व्हाट इज v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ओके। देन यहां पे यू विल से v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, गुड। देन व्हाट इज v1, u, तो u स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा व्हाट इज v2, v2 इज v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। तो पहले समझ लो कि हम स्टार्ट तो कर दिए, अब समझ में आएगा, अरे जस्ट अ मिनट, अब समझ में आएगा कि ये तो हो गया, लेकिन वेयर इज एक्सेलरेशन, वेयर इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन,
नहीं, मैंने इसलिए बताया था, इसीलिए बताया था, ये आखिरी स्टेप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज एक्सिलरेशन, तो यहाँ पे ए लाना है, तो कहां से लाओगे, कहां से लाओगे, व्हाट विल यू डू, सिंपल, यू शुड बी नोइंग कि कैसे लाना है यहाँ पे एक्सिलरेशन, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो गई, बिकॉज इफ यू डू दिस तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई। आप बोलोगे ये एक्सेशन है, ये अल्फा है, लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर है, इट इज नॉट ओमेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये एक्स वन, ठीक है चलो ऐसा करते हैं, ऐसा तो कर सकते हो ना, ये एक्स वन स्क्वायर को लिख सकते हो, एक्स वन इंटू एक्स वन, ओके। तो अब एक काम करते हैं, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, यू हैव यू स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अभी हमें क्या चाहिए था, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, दो बार आ गया, तो एक्स वन इंटू एक्स वन, तो यू स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, व्हाट इज दिस, मतलब अल्फा, राइट, अल्फा इंटू एक्स वन, गुड। हमें फाइंड करना है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन लाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट इट हियर, अल्फा एक्स वन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। देन जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बिकॉज शॉर्टकट भी है, पर पहले समझ लो, सिमिलरली अगर आप सेकेंड केस पे सॉल्व करने जाओगे, केस टू सॉल्व करने जाओगे, तो केस टू में क्या मिलेगा, अल्फा की जगह पे बीटा, एक्स वन की जगह पे एक्स टू, ओमेगा और ए सेम रहने वाला है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम है, सेम है ना एम्पलीट्यूड, राइट। देन क्यों सेम एम्पलीट्यूड, एक ही पार्टिकल है, मैंने पहले ही बोला एक पार्टिकल है, माइनस वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन, हमें क्या चाहिए था, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, इक्वेशन टू में क्या है, बीटा एक्स टू, यहाँ पे क्या है, अल्फा एक्स वन, राइट। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, मैंने इससे पहले बताया, क्योंकि कॉमन कुछ निकलेगा नहीं, अब कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो सिंपल 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 वेट, एक्स वन ही फाइंड कर लो, ज्यादा बेटर है, शॉर्टकट ऑल्सो एग्जिस्ट, शॉर्टकट भी बताता हूँ मैं, बट जस्ट रिमेम्बर हाउ यू आर सपोज टू गो अहेड विद स्टेप्स, देख लो, देन वी विल गो फॉर शॉर्टकट, एक्स टू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय बीटा, अब सब्ट्रैक्ट करो इसको, इक्वेशन नंबर टू बोल दो, तो टू माइनस वन करो, व्हाट इज टू माइनस वन नाउ, एक्स टू माइनस एक्स वन, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन गया, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बीटा, देन माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय अल्फा, देन दिस इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू, व्हाट अबाउट दिस, ऑलमोस्ट देयर, क्या है ए ओमेगा, क्या होता है, What will you do? How will you simplify this step? इसको तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दोगे, ठीक है वो हो गया, वॉट अबाउट नेक्स्ट, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो तो हो गया क्वेश्चन खत्म, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो तो यहाँ पे सेम तो कुछ है नहीं, पॉइंटलेस है सेम करना, then what? So that is why you need to be careful. That is why I told you trial and error. But trial and error के साथ be little careful. So rethink कि इसको solve कैसे करेंगे. Question में सारे के सारे parameters समझे हैं क्या? What is velocity at x1? U. X is alpha. And at x2, x is beta. So x2 minus x1 find करने के लिए what will you do? Simple है. It's very simple. You just need to think क्या करना है यहाँ पे. Displacement x to x1. How will you find out?
I am waiting to hear answers from your side. ऑप्शन देख के डिसाइड करो what you have in option, velocity का square minus या plus, दोनों में से एक. तो पहले कौन सा टर्म चाहिए होगा, velocity, उसका square, फिर माइनस करेंगे मतलब दो इक्वेशन बनाएंगे. कौन से दो इक्वेशन, एक इक्वेशन बनेगा x2 पे जो वेलोसिटी है उसके लिए, एक बनेगा x1 पे वेलोसिटी है उसके लिए, फिर क्या होगा सब्ट्रैक्शन. ये होना चाहिए आइडियली. तो x1 पे वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आता है, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर अभी लिखा था मैंने, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट. तो ये अगर आपको याद होगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट. ये आ गया आपके पास बी का स्क्वायर. एट पोजीशन टू, एक्स टू की जगह पे, एक्स टू की जगह पे व्हाट इज वेलोसिटी वी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, करेक्ट. और एट एक्स वन व्हाट यू हैव, यू स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर. तो सबसे पहले इसको यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने से, ये जाएगा. तो ईच स्टेप इज इंपॉर्टेंट. तो क्या हटाना है, इसलिए बोला मैंने लुक सिर्फ यू एंड मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ये नहीं चाहिए. सब्ट्रैक्ट कर लो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर. यहां से सोचना स्टार्ट करना है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं. देन एक्स टू डिस्टेंस ज्यादा था कि एक्स वन था, एक्स टू था, मतलब ये नेगेटिव साइन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ से एब्जॉर्ब करके मतलब उल्टा माइनस करना था. इन शॉर्ट कर लिया तो कर लिया, माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर. एक चीज तो पक्की हो गई, करेक्ट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आने वाला है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आने वाला है. तो दो ऑप्शन हमारे पास बचे. अब इसमें से आप ओमेगा स्क्वायर निकालोगे कॉमन, इसको लिखोगे एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, देन ए एडजस्ट करना बाकी है, वो भी करते हैं. व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड. तो इट इज x2 माइनस x1 अपॉन x2 प्लस x1. हमें क्या फाइंड करना था, x2 माइनस x1. तो अभी एक काम करना, जो फाइंड करना है उसको एक साइड पे रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर x2, करेक्ट, ओमेगा स्क्वायर x1, u square minus v square. What is omega square x2? Beta. And what is omega square x1? No, u square minus v square upon alpha plus beta. Option number A. Right. So what have you learned from this question is कि पहले option को देखो कि क्या चाहिए. नहीं तो गए तो गए. तो option में क्या चाहिए वो देखो. Done. That's it for today.